रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। जब वे क्रोधित हो जाते थे तो उनके सिर पर ऊपर पानी डालकर शिव शिव कहते थे और फिर शांत हो जाते थे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, आज तो युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के धरोहर हैं। वो उनके आदर्श पे हम लोगों को चलना चाहिए। मैं तो युवाओं से अनुरोध करूँगा कि नशे से दूर होकर आज समाज के एक प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, समाज को जागृत करें। आज देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में हैं जिन्होंने इस देश के युवाओं के लिए और देश के हर वासी के लिए वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जो है स्वामी जी विवेकानंद जी का जयंती होता है। जो 1863 में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद इतना वो भक्तिमय हो गया था कि वो जब वो बाल्यकाल में थे, बाल्यकाल में कहा जाता है स्वामी जी के लिए कि वो जब नाराज हो जाते तो उनके सिर के ऊपर पानी डाल के शिव शिव कहते थे तो शांत हो जाता। वो शुरू से सिख के भक्ति भक्ति में रहते थे। वो स्वामी जी जो है शिकागो में जब गए थे, एक धर्म सभा हो रहा था वहाँ पे। देखिए, आज ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी वो अमर हैं, अमर थे और हमेशा अमर रहेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से वहाँ पर रखा, उन अपने विचारों से रखा, आज पूरे विश्व में हमारे भारतीय संस्कृति की गाथा गाई जाती है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, जन्म उत्सव है और मैं खुद स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेता हूँ। मेरे आराध्य हैं, मैंने जीवन में बहुत कुछ इनकी चीज़ों को अपनाया है। उन्होंने किस प्रकार से देव भक्ति भी की और समाज सेवा भी की और जिस प्रकार से हिंदू धर्म का डंका पूरे विश्व में उन्होंने बजाया, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और युवाओं ने जिस प्रकार से युवाओं को उन्हें हुंकार भरी कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक रुको नहीं,